दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2011 में रिलीज हुआ फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म कोलंबियाना के बारे में। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय ओलिवर मेगाटन, को रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय लुक बेसन, जिन्होंने 2014 में साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लूसी डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का आईएमडीबी रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10, रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 28%, मेटा क्रिटिक स्कोर है 45%। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल्स ज़ोए साल्डाना एज कैटेलिया एट एज 25 एंड छोटी कैटेलिया की रोल निभाई है एमर टेनबर्ग ने, जोर्डी मोला एस मार्को, लेनी जेम्स एस जेम्स रॉस जो एक CIA एजेंट है, माइकल वर्टन एस डैनी जो है कैटेलिया की लवर, क्लिफ कर्टिस एस बिलियो मतलब कैटेलियस अंकल एंड बेटो बेनिट्स एस डॉन लुइस। दोस्तों ये कहानी है 10 साल की कोलंबियन लड़की कैटेलिया के बारे में जो अपने आंखों के सामने अपने माता पिता की खून होता हुआ देखती है। कैटेलिया के पिता फेबियो एक ड्रग स्मगलर थे, लेकिन जब वो इस रास्ते को छोड़ना चाहा, उनके बॉस डॉन लुइस ने उन्हें और उनकी वाइफ मतलब कैटेलिया की माँ एलिसिया को जान से मार डाला। मरने से पहले फेबियो अपनी बेटी से एक चीप देते हुए कह गए थे, कैटेलिया ये तुम्हारी पासपोर्ट है, तुम्हें किसी भी हालत में इसे पहुंचाना है अमेरिकन एम्बेसी तक और वहां से तुम्हें जाना है शिकागो अपने अंकल के पास। एंड एट लास्ट अपना नेकलेस कैटेलिया को देते हुए उन्होंने कहा था, कैटेलिया ये कभी मत भूलना तुम कौन हो। असल में इस चिप में डॉन लुइस की सारी इलीगल एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन थी, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जब फेबियो एंड एलिसिया के खून करने के बाद मार्कोस मतलब डॉन लुइस की राइट हैंड कैटेलिया से उसी चिप के बारे में पूछा, तो कैटेलिया ने उसे स्टैप करते हुए डॉन लुइस को मारने की कसम खाई और वहां से भाग गई। उसकी भागने के तरीके से इट वॉज क्वाइट विजिबल कि फेबियो ने उसे इस दिन के लिए काफी ट्रेन किया था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा सिचुएशन किसी न किसी दिन तो आने ही वाला है। कैटेलिया बड़ी मुश्किल से बहुत कुछ मैनेज करते हुए आखिर पहुंची गए एम्बेसी तक। वहां पर जाकर एक एजेंट को उसने ये कार्ड दिखाया। इस कार्ड में क्या है ये देखकर वो एजेंट तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कैटेलिया से कहा, तुम्हें पता है ये क्या है? कैटेलिया ने बड़ी ही कॉन्फिडेंटली आंसर की, इट इज माई पासपोर्ट। ये लोग कैटेलिया को भेजने वाले थे मायामी, लेकिन कैटेलिया को तो जाना है शिकागो उसके अंकल के पास। जैसे उसके पापा ने कहा था, वो एयरपोर्ट के बाथरूम से भाग गई और एक बस बोर्ड करके पहुंच गई शिकागो में उसके अंकल के पास। इतना सब कुछ सहन करने के बाद पहली बार कैटेलिया की आंखों में आंसू था। वो सब कुछ शेयर करती है अपने अंकल से और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो रो पड़ती है। यहाँ पर एमिलियो के साथ साथ उनकी माँ मतलब कैटेलिया की दादी भी रहती थी। वो चाहती थी अभी से कैटेलिया एक बहुत ही बिल्कुल से नॉर्मल लाइफ लीड करे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कैटेलिया कोई भी इलीगल कामों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोगों को खो चुकी है, बहुत कुछ सहना पड़ा है उन्हें अपने जीवन में। कैटेलिया हैज टेकन हर डिसीजन, शी इज डिटरमाइंड, उसे एक किलर ही बनना है, एक स्टोन हार्टेड किलर, क्योंकि उसकी लाइफ की मोटिव अभी एक ही है, डॉन लुइस को खत्म करना, और वो ये करके रहेगी एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट डे एमिलियो कैटेलिया को लेकर जाती है एक स्कूल में वहां पर उसकी दाखिला करवाने के लिए, लेकिन कैटेलिया इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज है। इसका कहना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक किलर बनना है, मुझे डॉन लुइस को खत्म करना है, इन स्कूलों में मुझे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मिलेगा उससे मेरा क्या लेना देना। लेकिन एमिलियो उसे समझाते हैं, एक किलर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इससे जिंदा नहीं रह पाएगी, उसे एक स्मार्ट किलर बनना है, उसे ये सीखना है किसी को मारने के बाद वो खुद को कैसे बचाए, उसे आसपास की चीजों को समझने की जरूरत है, उसे ये सीखना होगा दूसरा एक इंसान कैसे सोचता है, और ये सारी बातें सीखने के लिए उसके लिए बेसिक एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। कैटेलिया समझती है कि उसकी अंकल जो भी कह रहा है वो सही है, वो मान लेती है। देखते देखते 15 साल बीत जाता है। अभी समय है 2007, प्लेस कैलिफोर्निया। एक दिन सुबह एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक ड्रंक लड़की पुलिस की कार को ठोक देती है, तो उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। बट द पॉइंट इस लड़की की नेक में वही चेन है जो कभी कैटेलिया के पास हुआ करती थी, मतलब यही लड़की ही कैटेलिया है। लेकिन वो यहाँ पर ऐसी हालत में क्या कर रही है? ऑब्वियसली उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और पुलिस की कोई भी बातों का आंसर देने की हालत में भी वो नहीं है। दूसरी तरफ इसी रात और एक क्रिमिनल को लाया जाता है इसी जेल में, और हमें पता चलता है कि ये क्रिमिनल ही असल में कैटेलिया की टारगेट है। वो सिर्फ ड्रंक होने की नाटक कर रही थी ताकि वो इस जेल के अंदर आ पाए। रात होते ही वो अपनी असली रूप में चली आती है, हेयरपिन से लॉक को खोल लेती है और कैमरास को भी दूसरी तरफ घुमा देती है ताकि उसे कोई भी ना देख पाए। वो फिर जाती है इलेक्ट्रिकल रूम में, वहां पर एक ग्लास ऑफ वाटर एंड एक स्पून से वो ऐसे जुगाड़ करती है कि कुछ ही समय में इस स्टेशन का पार कट हो जाए। फिर वो एयर डॉक से होते हुए पहुंच जाती है उसी क्रिमिनल के सेल में और वहां पर जाकर उस क्रिमिनल को गोली मारकर मार डालती है।
बाहर बैठा हुआ गार्ड को वो अनकॉन्शियस कर इसी केस में फ्रेम्ड कर देती है। गोलियों के आवाज से बागी के पुलिस भी आ जाते हैं, लेकिन सभी को लगता है कि शायद इसी गार्ड ने इस क्रिमिनल को मार डाला होगा क्योंकि इसी के तो हाथ में गन है। लेकिन फिर भी पूरी बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। तब तक कैटेलिया पहुंच चुकी है टेरेस में। जब वो देखती है रास्ता क्लियर है, वो वापस एयरडॉक से ही पहुंच जाती है अपने सेल में। और जब तक उसकी सेल चेक किया जाता है, वो तो आराम से खर्राटे मार रही थी, एज इफ उसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो पूरी समय तो नींद में ही था। पुलिस कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड है। किसी किसी को लगता है कि शायद ये सब इस लड़की ने ही किया है, लेकिन मैक्सिमम सोचते हैं ये सब एक लड़की नहीं पॉसिबल ही नहीं है, और कोई सबूत भी तो नहीं है। नेक्स्ट डे उसको रिहा कर दिया जाता है। वो अपनी फिंगरप्रिंट्स देती है और वहां से निकल जाती है। हम देख पाते हैं बाहर निकलते ही वो अपने हाथों से लैटेक्स के निकाल कर फेंक देती है। मतलब कैटेलिया जैसी चाहती थी बचपन से, वो बिल्कुल वैसे ही खुद को तैयार की है। वो आज की दुनिया में सबसे टैलेंटेड और सबसे वांटेड क्रिमिनल है। उसके अंकल एमिलियो उसके लिए काम करते हैं, बट उन्हें कैटेलिया की बहुत ही परवाह है। परवाह क्यों ना हो, वो फैबियो का आखिरी निशानी है। वो बार बार कैटेलिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम एक अच्छी जिंदगी लीड कर सकते हो। लेकिन कैटेलिया भी डिटरमाइंड है, वो जब तक डॉलूस को खत्म ना कर दे वो रुकेगी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कैटेलिया सिर्फ स्टोन हार्टेड नहीं है, उसकी एक और अलग दुनिया भी है, और उस दुनिया में है डैनी। वो डैनी से बे इंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बात का है, वो डैनी से कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। डैनी तो उसकी असली नाम भी नहीं जानते, वो जानते हैं कैटेलिया के नाम है जेनिफर। कैटेलिया बहुत ही डरती है। पहली बात तो ये है कि अगर डैनी को पता चल जाए उसकी असलियत के बारे में तो डैनी क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरी बात तो ये है कि उसके लिए कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। एनीवेज, दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेल में हुआ रिसेंट खून को इन्वेस्टिगेट करने आ पहुंचे हैं एजेंट रॉस, और विक्टिम को देखते ही वो समझ जाते हैं कि शायद इस किलर को वो जानते हैं। वो लास्ट 4 ईयर से 22 मर्डर केसेस को स्टडी कर रहे हैं, और वो ये पाते हैं कि ये सारे केसेस एक ही किलर का काम है। वो इस किलर को द टैग किलर नाम से बुलाते हैं क्योंकि ये किलर हमेशा विक्टिम के शरीर में एक मार्क छोड़ जाता है, एक कैटेलिया फ्लावर, और वो श्योर है कि ये किलिंग भी उसी का काम है। उन्हें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये सारे किलिंग्स किया है कैटेलिया ने, और वो हमेशा विक्टिम्स के शरीर में ये कैटेलिया फ्लावर मार्क बनाती है। ये उसकी तरफ से डॉन लुइस के लिए एक वार्निंग जैसा है। वो कहना चाहती है बी प्रिपेयर्ड, अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ, कैटेलिया इज कमिंग फॉर यू। और शायद उसकी ये तरीका काम कर भी रहा है। हम देख पाते एक CIA एजेंट को जो डॉन लुइस से मिलकर उन्हें इन सारे केसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ही ऑल्सो सस्पेक्ट्स कि इन सारे केसेस के साथ कहीं ना कहीं डॉन लुइस का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। डॉन लुइस उनके सामने कम्प्लीटली डिनाई तो करते थे, लेकिन उसके वहां से जाते ही वो मार्को से कहते हैं कि मुझे लगता है ये सारे किलिंग्स कैटेलिया कर रही होगी, हमें बहुत पहले ही उसे मार देना चाहिए था, तुम जितना जल्दी हो सके अभी उसे ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ कैटेलिया भी अपना नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। उसकी नेक्स्ट टारगेट है एक हेज मैनेजर जो रहते हैं मेक्सिको में। हम उसकी वर्क ऑफिस देख पाते हैं वेयर शी कीप्स हर टू पेट्स, टू ह्यूज डॉग्स, और जो कैटेलिया के प्रति काफी लॉयल है। कैटेलिया अपने लिए फेक पासपोर्ट निकालती है एंड शी सेट्स आउट फॉर मेक्सिको। दूसरी तरफ मेक्सिको में हम देख पाते हैं ये जो हेज मैनेजर है ये एक बहुत ही कोरप्टेड एंड इमोडेस्ट पर्सन है, और उनको शायद खतरों से खेलना पसंद है। उनके विला के एक्वेरियम पूल में उन्होंने 2 ब्लड थर्स्टी शार्क पाल रखे हैं, लेकिन उन्हें शायद कोई अंदाजा है कि आज की रात उनके लिए डेंजरस हो सकता है। वो गार्ड से कहते हैं आज रात सिक्योरिटी थोड़ा टाइट रखना, लेकिन इवेंचुअली कैटेलिया भी पहुंच चुकी है इसी विला के अंदर, और वो चुपचाप 1 by 1 सारे गार्ड्स को मार डालती है। एंड एट लास्ट वो उस मैनेजर को भी इसी पूल के ऊपर ले आती है। मैनेजर बहुत ही डरते हुए कहते हैं नहीं नहीं मुझे मत मारो, आई कैन पे यू डबल। लेकिन कैटेलिया अभी बहुत ही नॉर्मली कहती है आई वोंट किल यू, और कहती है वो शूट कर देती है इसी मैनेजर की लेग में। वो मैनेजर गिर जाता है इसी पूल के अंदर एंड द शार्क्स एंजॉय अ प्रीटी गुड डिनर। उधर एजेंट रॉस भी इस टैग किलिंग केसेस को बहुत ही सीरियसली हैंडल कर रहे हैं। उन्हें अचानक पता चलता है ये टैग असल में एक फ्लावर है, कैटेलिया फ्लावर, जो सिर्फ और सिर्फ कोलंबिया में ही पाया जाता है। उन्हें लगता है कि इस किलर का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा कोलंबिया के साथ। वो कोलंबिया के सारी ओपन केसेस को ऑनलाइन इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं मिल पाता। वो रिचार्ड से कहते हैं क्लियरेंस के लिए, लेकिन रिचार्ड चालाकी से इस बात को घुमा देते हैं और डॉनली से फोन कर कहते हैं कि जो हो सके वो जल्दी करो, नहीं तो अगर एजेंट रॉस एक बार इस
केसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ये सब सुनकर डॉन लुइस भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर से मार्को को और भी ज्यादा प्रेशर देते हैं कैटेलिया और उसकी परिवार को ढूंढ निकालने के लिए। इन सब से बहुत दूर कैटेलिया अपने लाइफ की कुछ अच्छे मोमेंट बिता रही है डैनी के साथ। डैनी कैटेलिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते है। वो जानना चाहते है कैटेलिया आखिर है कौन, लेकिन कैटेलिया नोज हर लिमिट्स। बट वो जो नहीं जानती वो है सोते समय डैनी ऑलरेडी उसकी एक पिक्चर क्लिक कर ली है, जो कैटेलिया के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरे दिन एमिलियो से मिलने पर उसे पता चलता है कि उसे ढूंढना जा रहा, बट कैटेलिया डजंट केयर, उसके अभी भी बहुत काम बाकी है। दूसरी तरफ हम डैनी को देख पाते हैं अपने एक फ्रेंड से बात करते हुए। वो जेनिफर का फोटो दिखाते हुए कहते हैं, मैं इस लड़की से बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन आई एम स्टिल कंफ्यूज क्योंकि मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। सब सुनकर ये दोस्त अपने सिस्टर इन लॉ को, जो एक पुलिस स्टेशन में काम करती है, ये पिक्चर सेंड करते हैं और कहते हैं इस लड़की को ट्रेस करने के लिए। उनका इंटेंशन तो गलत नहीं था, बट ही हैज नो क्लू व्हाट ही एक्चुअली हैज डन। जैसे ही ये लेडी अपने कंप्यूटर में इस फोटोग्राफ को अपलोड करती है, इमीडिएटली रॉस के कंप्यूटर में भी पिंग होता है। वो जल्दी से मिलाकर देखते हैं इस फोटोग्राफ को जेल की सिक्योरिटी फुटेजेस के साथ और पाते हैं ये वही किलर है जिसको वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, और अभी उनके पास इस किलर का एक फोटोग्राफ भी है। वो जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं इसी किलर का, मतलब कैटेलिया के अपार्टमेंट में। उधर तब तक कैटेलिया को भी पता चल चुका है डैनी से इस फोटोग्राफ के बारे में, और वो चेक करने पर पाती है ऑलरेडी स्वॉट टीम उसके अपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। बट शी इज ऑल प्रिपेयर टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। वो दौड़ कर पहुंच जाती है दूसरे एक अपार्टमेंट में और वहां से गैराज में। स्वॉट टीम भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे ढूंढ पाए उससे पहले ही वो और एक एयर डक्ट से होते हुए पहुंच जाती है सबवे में और वहां से भाग जाती है। अपने दादी के घर जाने पर उसे पता चलता है उसकी दादी और उसके अंकल और उनके एक दोस्त पेपे को बहुत ही बेरहमी से किसी ने खून कर दिया है। बाय नाउ शी इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, टूट चुकी है वो अंदर ही अंदर। सिर्फ यही तो लोग थे जो उसे अपना मानते थे, इन लोगों को भी उसकी ही वजह से मरना पड़ा, वो भी इतना बेरहमी से। बहुत रोती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो रिवेंज लेके रहेगी, उसके लिए उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। वो इवेंचुअली CIA एजेंट रॉस को बंदी बनाती है और उनके जरिए उसे पता लग जाता है रिचर्ड से डॉन लुइस के एड्रेस के बारे में। वो बहुत सारे गांस उठाती है और एक ह्यूज आर्मर ट्रक लेकर पहुंच जाती है उसी विला में। उधर डॉन लुइस के विला में मार्को सभी गार्ड्स को समझा रहे थे कैटेलिया के बारे में। वो कह रहे थे कैटेलिया लड़की है तो क्या हुआ, उसे लाइटली बिल्कुल मत लेना। और तभी कैटेलिया एक रॉकेट से हमला कर देती है और लुइस लकीली बाय चांस बच जाते हैं और मार्को उन्हें लेकर एक सेफ रूम में पहुंचा देते हैं। बाहर के सारे गार्ड्स को मारकर कैटेलिया पहुंच जाती है अंदर और अभी उसके सामने है मार्को। हैंड टू हैंड फाइट में वो मार्को को भी जान से मार डालती है। तक डॉन लुइस को अंदाजा हो चुका है कि ही इज ऑल अलोन। वो एक वैन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास फोन आता है मार्को के फोन से, लेकिन इसमें बात कर रही है कैटेलिया। डॉन लुइस को लगता है कि वो शायद कैटेलिया की ग्रिप से बाहर आ चुके हैं। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट से कहते हैं, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, कभी नहीं। लेकिन कैटेलिया बहुत ही कामली रिस्पॉन्स करती है, एक्चुअली तुम वही हो जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहती थी। और तभी वो कहती है इट। डॉन लुइस को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी इसी वैन की बैक सीट में छुपा हुआ कैटेलिया के दो ह्यूज डॉग्स डॉन लुइस के ऊपर हमला कर देता है और वहां पर ही उसे जान से मार डालता है। एट लास्ट कैटेलिया हैज टेकन हर रिवेंज। वो अभी फ्री है। वो डैनी को कॉल करती है और कहती है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड्स है, तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो जल्दी से। हम देख पाते हैं डैनी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, बट ही डजंट केयर अबाउट दैट। वो कैटेलिया से पूछते हैं, तुम्हारा असली नाम क्या है। कैटेलिया कहती है कैटेलिया। डैनी फिर से उसे पूछते हैं, क्या हम कभी एक साथ हो पाएंगे। कैटेलिया कहती है, शायद एक दिन हम जरूर एक साथ होंगे। तक एजेंट रॉस को भी पता चल चुका है कि शायद डैनी के पास कोई फोन आया है। वो जल्दी से आकर इस नंबर पर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक कैटेलिया ऑलरेडी फोन काट कर दी है। वो इस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाते। मतलब आखिरकार कैटेलिया के इतने सालों की मेहनत रंग लाई, वो अपना रिवेंज कम्प्लीट कर पाई और वो अभी फ्री भी है। दोस्तों यहाँ पर ही ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।